खेल खेल में पेड़ पर चढ़ने के बाद 13 वर्षीय बालक श्याम पेड़ से गिरने पर सीधे हाथ से लकड़ी हुई आर पार। वहां पर मौजूद बच्चों ने खींच कर निकाला श्याम को। बच्चों के हाथ में अभी भी लकड़ी फंसी हुई है। ग्राम कटोरा में नदी किनारे घटना घटित हुई। बालक का उपचार बड़वानी जिला चिकित्सालय में चल रहा है। बड़वानी के समीप ग्राम कटोरा में बकरी चराने गए बालक श्याम खेल खेल में पेड़ से गिर जाने पर सीधे हाथ से लकड़ी हुई आर पार। वहां उपस्थित बच्चों के द्वारा उसे वहां से खींच कर निकाला गया। वहीं लकड़ी अब भी बालक के हाथ में फंसी हुई है। वही बालक के परिजन मुकेश मालवीय की मदद से बड़वानी लेकर आए। बड़वानी में समाज सेवी अजीत जैन से संपर्क करने के बाद अजीत जैन की मदद से बालक श्याम डावर का इलाज बड़वानी जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं डॉक्टर मनीष मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि बालक श्याम का उपचार जिला चिकित्सालय में जारी। क्या परिचय आपका? अजीत जैन। क्या घटना हुई, हॉस्पिटल के आए हो? ग्राम कटोरा से मित्र मुकेश मालवीय का फोन आया था कि एक बालक को लकड़ी काप के अंदर भरा गई है, जो टुकड़ा एक अंदर रह गया है, तो इसको कहाँ पे लेके आना है। तो मैंने कहा सरकारी हॉस्पिटल में लेके आ जाना इसको। यहाँ पर मनीष जी मालवीय ड्यूटी पे थे, उन्होंने फटाफट चेकअप करा और सर्जन अविनाश जी वर्मा को फ़ोन करा। वर्मा साहब भी तत्काल आ गए और उन्होंने कुछ जाँचें लिखी है। अभी हम सीटी स्कैन के लिए आए हैं। तो क्या लकड़ी आर पार हो गई? हाँ, लकड़ी आर पार हो गई थी। इसके साथी जो लोग थे उन्होंने लकड़ी खींचने का प्रयास करा और लकड़ी अधूरी अंदर ही रह गई और बाकी का हिस्सा बाहर हो गया। कहाँ कर रहा था ये? पेड़ के ऊपर से कूद रहा था ये, तो उसमें ये उसमें घटना घटी थी। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? क्या घटना हुई थी? घटना इनके पिता दादाजी आगरा चराने गया था, उसको हाथ में कहीं लकड़ी घुस गई है। वैसे हम मतलब नर्मदा किनारे लेने गए, तो गाड़ी बेल पे ला रहे थे। वैसे हम गाड़ी पिटा के लाए और अजीत भैया फोन लगाए, मैंने भैया फोन से डॉक्टर को दिखाना, पैसे के भी ज़रा समस्या है। मैंने कहा सर प्राइवेट में ले जाएंगे तो उनका पैसे नहीं है, तो उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में लेके आ जाओ। तो क्या लकड़ी आर पार हो गई थी हाथ में? लकड़ी आर पार हो गई। क्या पेड़ से क्या करा इसने? बकरे चराने गया था, सब बच्चे थे, से मतलब चढ़ के मतलब कहीं नीचे उतरने में या कहीं भी क्या कारण हुआ वो तो हम नहीं पता, पर पेड़ में अटक गया था। हाँ, पेड़ में अटक गया था यार। तो बच्चों ने उसको धीरे से धीरे से वापस निकाला, इसको खींच के निकाला। तो वो कुछ लकड़ी रह गई है। हाँ, लकड़ी रह गई। क्या आपका? मैं डॉक्टर मनीष कुमार मालवीय हूँ। सर क्या घटना हो गई थी अभी बालक? अभी श्याम डावर नाम का एक पेशेंट आया था, जो उन्होंने अपने घर वाले परिवार ने बताया है कि वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, वहाँ से गिर गया, तो उसके कारण से उसको जो लकड़ी है वो उसके सीधे हाथ की तरफ कांख के आर पार चले गई है, जिसके कारण से चोट लगी है। इलाज चल रहा है बड़वानी में? जी, अभी उसका हम जांच करवा रहे हैं, उसका एक्सरे या सीटी स्कैन की जो भी जरूरत पड़ेगी उसका जांच करवाएंगे, उसके बाद यथासंभव जो भी उचित ट्रीटमेंट होगा वो करेंगे। हमने इसके लिए सर्जरी और डॉक्टरों में भी ओपिनियन के लिए दे दिया है, आगे जो भी प्रक्रिया होगी। RPTV न्यूज की खबर पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाए, साथ ही बेल आइकन भी दबाए नोटिफिकेशन के लिए। जय न्यूनतम दरों पर कुरियर सर्विस संपूर्ण भारत में। हमारा पता अक्षदा कुरियर, MG रोड, साई राम जींस की गली में, बड़वानी।